मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो ये जो 20 ग्राम मिट्टी है ना, इसमें मुश्किल से 8 रुपए का कैल्शियम, मुश्किल से, और 2-2.5 रुपए का फास्फोरस है, मुश्किल से 2-2.5 रुपए का, और बाकी 10-11 रुपए में अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैंने मरने के बाद आदमी की कीमत 20 रुपए से ज्यादा हुई। ये है जीवन की सच्चाई, और हम मिल रहे हैं उसी मिट्टी में, और परेशानी की मिट्टी शरीर पर नहीं लगनी चाहिए। ये मूर्खता हमने यूरोप से सीखी है। यूरोप में पता है क्या होता है, मिट्टी ही नहीं है। मैं आपको ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट कर रहा हूं, पूरे यूरोप में मिट्टी ही नहीं है। किसी देश में चले जाओ, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, मिट्टी ही नहीं है। फिर क्या है, बर्फ पड़ पड़ के मिट्टी पत्थर जैसी हो गई है। तो वो पत्थर है, मिट्टी है ही नहीं उनके देश। अब मिट्टी नहीं है तो हवा उड़ेगी, हवा चलेगी तो मिट्टी नहीं उड़ती है, तो इसलिए वहां की सड़कें साफ सुथरी दिखाई देती है, घर भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। साल में 9 महीने तो बर्फ ही बर्फ रहती है, गंदगी आएगी कहां से। तो हम गाना गाते हो, यूरोप कितना साफ सुथरा है, घर में भी कुछ कचरा नहीं है, सड़क पे भी कचरा नहीं है, वहां तो कुछ सुंदर ही सुंदर दिखा। मेरा एक दोस्त तो इतना मूर्ख है, वो कहता है यार यूरोप की सड़क को तो जीप से चाट सकते हैं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी खास बात है, बर्फ को तो जीप से ही चाटा जाता है ना, चाटते हैं नहीं बर्फ को, तो वहां बर्फ ही बर्फ है, उसको जीप से चाट सकते, कौन सी खास बात है। तो जिस देश में मिट्टी है ही नहीं, उड़ेगी नहीं तो जीवन में आएगी नहीं, तो उनको मिट्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, क्योंकि माइक्रो, अब वहां समस्या क्या होती है कि मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वहां की मिट्टी तो पत्थर जैसी है, उसमें से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बाहर से सप्लाई लेनी पड़ती है शरीर में। अगर हम कुछ खा रहे हैं, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, तो हमको 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्रोटीन चाहिए वो तो एक है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो एक है, फैट्स चाहिए वो एक है, और हमें फाइबर्स चाहिए वो एक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबके चाहिए हमको अपने शरीर में। नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, मैंगनीज भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, ऐसे 17 केमिकल शरीर को चाहिए। इनमें एक भी कम हो जाए तो पता क्या क्या होता है, थोड़ा भी कैल्शियम अगर कम हो गया तो बच्चे पागल पैदा होते हैं। थोड़ा भी केमिकल कम हो जाए तो कम बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं। आपने देखे बहुत बच्चे शरीर में तो अच्छे हैं, बुद्धि काम नहीं करती, आईक्यू लेवल से होते। तो सब डॉक्टर कहते हैं इनको कैल्शियम कम है। फिर इसके विपरीत कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैल्शियम तो है लेकिन आयरन कम है, तो उनके शरीर में खून नहीं, तो एनीमिक दिखाई देते हैं, और इतने एनीमिक दिखाई देते हैं कि हम समझते हैं अरे इसकी स्किन तो बहुत गोरी है, पता चला वो एनीमिया का शिकार है। खून ही नहीं है तो पीला पीला दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा। तो किसी को आयरन कम हो गया, किसी को कैल्शियम कम, किसी को मैग्नीशियम कम, किसी को, तो सभी तरह की एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। तो मिट्टी में नहीं है तो वहां की प्रॉब्लम है। तो यूरोप में पता है क्या होता है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है इसको बाहर से सप्लीमेंट देना पड़ता है, इसलिए हर यूरोपियन को खाने के साथ फूड सप्लीमेंट खाना पड़ता है। और वो उनके फूड सप्लीमेंट पता है क्या है, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, माल्टोवा, ये जो है हेल्थ टॉनिक्स, वो सब फूड सप्लीमेंट्स हैं कोई हेल्थ टॉनिक के लिए। अगर वो ना खाएं तो जिंदा नहीं रह पाए। अब वही टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट करी, हॉर्लिक्स आ गया भारत,
न्यूट्रिएंट्स तो भोजन में मिल रहे हैं, हमारे गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, केले में, सेब में, फलों में, सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि मिट्टी से ये सब आ रहे हैं और मिट्टी में ये सब है, तो हमको अतिरिक्त सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उनकी नकल करके खाएंगे जरूर, क्योंकि हम मानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी है तो कुछ अच्छी होगी। अभी अंधाधुंध हम खाना शुरू करते हैं बचपन से। कई घरों में मैंने देखा बच्चों को हॉर्लिक्स मिला के ही दूध पिलाते हैं या बॉर्नविटा मिला के ही दूध पिलाते हैं। अगर लगातार आप ये खाएंगे हॉर्लिक्स बॉर्नविटा तो इसमें कैल्शियम है और कैल्शियम आपके बॉडी में है ऑलरेडी है। अब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो जब ज्यादा कैल्शियम होगा तो डाइजेस्ट नहीं होता और वही स्टोन में बदल जाएगा, तो किडनी स्टोन हो जाएगा, गॉलब्लैडर स्टोन हो जाएगा। अब किडनी में स्टोन हुआ 25-30 साल की उम्र में, गॉलब्लैडर स्टोन हुआ तो डॉक्टर कहेगा आप ये किडनी काट के निकालो तो 3 लाख रुपए ले आओ पहले, और गॉलब्लैडर काट के निकालो तो 50,000 रुपए ले आओ, और गॉलब्लैडर जो कट के आपने निकलवा दिया क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन है तो 5-7 साल के बाद इंटेस्टाइनल कैंसर 100% हो जाएगा, क्योंकि शरीर विज्ञान ये कहता है कि गॉल ब्लैडर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर इसको काट के निकाल दिया तो ये ऑर्गन का काम किसी दूसरे ऑर्गन को करना पड़ता है, तो वो दूसरा ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन ही है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है और उस वर्कलोड के कारण उसमें कैंसर डेवलप होता है, फिर कैंसर हो गया तो फिर जयराम जी ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब हम बिना सोचे समझे नकल करेंगे उनकी, यही होगा। इसलिए मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं ये कि टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती, टेक्नोलॉजी मॉडर्न और ओल्ड नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा एप्रोप्रिएट होती है, उपयुक्त तो होती है, जब जिसको जिसकी जरूरत है वो उसने बना लिया वही टेक्नोलॉजी होती है। दूसरों की नकल करके बनाएंगे तो वो नकल होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती।